5 ऐसे टॉय रोबोट्स जो कि रात के समय जिंदा हो जाते थे। वो एक रेस्टोरेंट में गाते भी थे और बजाते भी थे। बैंड बजा देते थे उस इंसान का जो रात में गलती से उस रेस्टोरेंट में आ जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ FNAF की, मतलब फाइव नाइट्स एट फ्रेडी। तो आज हम जानेंगे फाइव नाइट्स एट फ्रेडी के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हो, मतलब ये सब कैसे शुरू हुआ, रात में इस रेस्टोरेंट में क्या क्या होता है और क्या है बाइट ऑफ 83 का सीक्रेट, कैसे ये एनिमेट्रॉनिक जिंदा हो जाते हैं, आखिर किन की आत्मा है इनके अंदर। जानते हैं हगी वगी से भी ज्यादा पावरफुल FNAF की पूरी कहानी आज के फाड़ू वीडियो में। ये बात है 1990 की। माइक शिमिट नाम के एक बंदे को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसने एक जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखा लोकल न्यूज़पेपर में। ये जॉब थी एक सिक्योरिटी गार्ड की। फ्रेडी फेजबियर पिज्जा नाम का एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर 5 दिनों के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए था, जिसे रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उस रेस्टोरेंट में रहना था। हालांकि ये जॉब केवल 5 दिन के लिए थी, लेकिन भैया माइक को थी पैसों की सख्त जरूरत, तो उसने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। फ्रेडी फेजबियर पिज्जा मतलब FFP एक काफी ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट था जहाँ पर बच्चों को गेम्स खिलाए जाते थे। बच्चे वहाँ जाते थे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते थे। वहाँ पर कुछ टॉय रोबोट्स थे जो गाने गाते थे और बच्चों को एंटरटेन करते थे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं FNAF के फर्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर थे टोटल 4 रोबोट्स, फ्रेडी फेजबियर, बोनी द बनी, चीका द चिकन एंड फॉक्सी द पायरेट फॉक्स। अब FNAF के जो तगड़े वाले फैन होंगे वो कमेंट करेंगे कि टोटल 5 एनिमेट्रॉनिक्स थे। आई नो के 5 थे, जिनमें से कि 5वां था गोल्डन फ्रेडी, लेकिन वो कभी कभी ही अपीयर होता था, इसलिए मैंने टोटल 4 काउंट किए। अब वापस आते हैं हम माइक की कहानी पर कि आखिर उसे जॉब मिली या नहीं। तो ऑब्वियसली माइक को जॉब मिल गई और शुरू होता है मौत का नंगा नाच। तो एस वी ऑल नो कि भैया माइक को जॉब मिल गई। माइक की जॉब की ये पहली रात थी, करीब 12 बजे थे और बेसिकली उसका काम था रेस्टोरेंट में लगे CCTV पर नजर रखना। और वो ये काम कर रहा था तभी अचानक उसके कमरे में मौजूद फोन बजने लगा। देखो ये 1990 की कहानी चल रही है, तो भाई उस टाइम पर मोबाइल फोन नहीं होते थे और सिक्योरिटी गार्ड के पास तो कतई नहीं होते थे। फोन में एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज था जो उस इंसान ने छोड़ा था जो माइक से पहले इसी जगह पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। इस गेम में उसको द फोन गाय के नाम से बुलाया जाता है। फोन में जो मैसेज था उसमें साफ साफ उस बंदे ने कहा था कि रात को एनिमेट्रॉनिक्स से दूर रहना, वो जिंदा हो जाते हैं। पहले वो दिन में भी जिंदा हो जाया करते थे, लेकिन एक हादसा हुआ जिसे कहा जाता है बाइट ऑफ 83। अब ये बाइट ऑफ 83 की क्या कहानी है मैं आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो माइक को चेतावनी मिली कि उसे एनिमेट्रॉनिक्स से दूर रहना है, क्योंकि अगर किसी भी टॉय रोबोट ने उसे देख लिया तो वो उसे पकड़कर एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर में डाल देंगे, क्योंकि वो टॉय रोबोट किसी भी इंसान को अपनी तरह ही एक रोबोट समझते हैं और सूट के अंदर इंसान के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। तो जब वो सूट के अंदर किसी इंसान को जबरदस्ती घुसेड़ा जाता है तो उसका कचूमर बन जाता है। तो सीधी बात, नो बकवास, एनिमेट्रॉनिक्स से रात में दूर रहने के लिए चेतावनी मिल गई थी माइक को, वो भी पहली रात को। लेकिन माइक को थी पैसों की जरूरत, इसलिए उसने उस जॉब को नहीं छोड़ा। अगर उसकी जगह मैं होता तो भाई पहली रात को ही जॉब छोड़कर भाग जाता। लेकिन माइक ने ऐसा नहीं किया और यूं ही फोन कॉल आते रहे। करीब 3 रातें गुजर चुकी थी। उसे CCTV में कभी कभी एनिमेट्रॉनिक्स मूव करते दिखाई देते थे, लेकिन उसने कभी भी अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। और इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब माइक बहुत ही समझदार इंसान था। 4th रात को रात के 12 बजे फिर से फोन बजता है। एक नया प्री रिकॉर्डेड मैसेज माइक को सुनाई देता है। वो मैसेज सुन ही रहा था कि तभी माइक की सारी समझदारी धरी की धरी रह गई। वो खुद भले ही कमरे से बाहर नहीं गया, लेकिन एनिमेट्रॉनिक्स ने उसे ढूंढ लिया। एक बड़ा सा और खतरनाक टॉय रोबोट उसके सिक्योरिटी चैम्बर के दरवाजे को बार बार धक्का दे रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और ये देखकर माइक की हालत खराब हो गई। लेकिन माइक ने दरवाजा नहीं खोला, वो टॉय रोबोट भी अंदर नहीं आ पाया और सुबह के 6 बजने से पहले वो टॉय रोबोट वापस चला गया। और माइक ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखाई कि वो अगली रात को, मतलब इस गेम की आखिरी रात को, वापस उसी सिक्योरिटी गार्ड के चैम्बर में आया अपनी नौकरी के आखिरी रात ड्यूटी देने के लिए। रात को 12 बजते ही उसका फोन बजता है, लेकिन माइक नहीं चौंकता, क्योंकि लगातार 4 रातों से यही सब हो रहा था। लेकिन इस बार वॉइस मैसेज में कुछ अलग ही बातें थी, वो बातें जो माइक को समझ ही नहीं आ रही थी। वो मैसेज कुछ इस तरह था, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night.
तो अब बेसिकली होता क्या है, जब आप ये गेम खेलते हो तो आप रोल प्ले करते हो उसी सिक्योरिटी गार्ड का, मतलब माइक का, जिसे 5 रातें जिंदा रहकर उस रेस्टोरेंट के अंदर गुजारनी होती हैं। लेकिन अब उठते हैं बहुत सारे सवाल कि ये एनिमेट्रॉनिक्स जिंदा कैसे हो जाते थे, ये क्या टेक्नोलॉजी थी या फिर ये कोई भूतिया घटना थी, क्या था आखिर सीक्रेट ऑफ पाइरेट ऑफ 83 और क्या थी फ्रेडी के इस रेस्टोरेंट के पीछे की असली कहानी। बॉनी एक ब्लू कलर का टॉय रोबोट था जो अपने बैंड का लीड गिटारिस्ट था। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि ये 4 रोबोट्स गाते बजाते थे और इनका एक बैंड भी था जो बैंड सबकी बाद में बैंड बजाता है। दूसरा एनिमेट्रोनिक्स था जिसका नाम था चीका। ये कुछ कुछ इविल नन के मुर्गे की तरह दिखता है लेकिन ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसको पिज्जा खाना पसंद है और अगर रात में आप इसे रेस्टोरेंट के अंदर मिल गए तो ये आपका पिज्जा बनाकर खा जाएगा। तीसरा था फॉक्सी द फॉक्स। इसकी बॉडी बिल्कुल टूटी फूटी थी और ये टूटी फूटी बॉडी वाला एनिमेट्रोनिक्स हमेशा पर्दों के पीछे छिपा रहता था और रात में एकदम से अटैक करता था। और चौथा है हमारा फ्रेडी द सिंगर। ये इस बैंड का लीड सिंगर था और इसके पास बहुत सारी भूतिया पावर्स थी। अगर आप इसकी आंखों को ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल इंसानी आंखों की तरह दिखाई देती है, जैसे कि ये बिल्कुल असलियत में जिंदा हो। और इसी गेम में था 5वां एनिमेट्रॉनिक जिसका नाम था गोल्डन फ्रेडी, लेकिन ये कभी कभार ही दिखाई देता था। अब ये सारे एनिमेट्रॉनिक्स कैसे जिंदा हो गए और आखिर इनके अंदर ये भूतिया शक्तियां कैसे आई, इनको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगी एक घटना जिसका नाम है बाइट ऑफ 83। विलियम एफोन नाम का एक बंदा था जो इस रेस्टोरेंट का ओनर था और साथ ही साथ इस रेस्टोरेंट को खोलने से पहले वो एफोन रोबोटिक्स चलाता था, मतलब वो रोबोट्स बनाने में एक्सपर्ट था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा माइकल और छोटा बेटा इवन। इवन विलियम के बनाए गए एनिमेट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा फैन था लेकिन विलियम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब क्यों पसंद नहीं थी ये भी एक सीक्रेट है, आगे खुल जाएगा। विलियम नहीं चाहता था कि इवन एनिमेट्रॉनिक्स को देखने के लिए उसके रेस्टोरेंट में जाया करे, तो उसने एक प्लान बनाया। उसने एक हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस बनाई जिसका रात में वो चुपचाप इस्तेमाल करता था इवान को बुरे सपने दिखाने के लिए। इवान को उन एनिमेट्रॉनिक्स के बुरे सपने आने लगे। अब ये बुरे सपने एक्चुअली में उस डिवाइस की वजह से थे या सच में एनिमेट्रॉनिक्स इवान के सपनों में डराने के लिए उसे आते थे, ये बात अभी भी क्लियर नहीं है। धीरे धीरे इवान ने उन एनिमेट्रॉनिक्स से डरना शुरू कर दिया, उनसे नफरत करने लगा और विलियम का ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। इवान ने एनिमेट्रॉनिक्स को देखने की उस रेस्टोरेंट में जाने की जिद करना विलियम से बंद कर दिया। लेकिन यहीं पर आता है कहानी में ट्विस्ट। विलियम का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था माइकल, उसने इवान को परेशान करने के लिए एक प्लान बनाया। वो जानता था कि उसके पिता उसे डराया करते थे, सपने दिखाया करते थे और इवान एनिमेट्रॉनिक से डरने लगा था, तो वो भी उसको फॉक्सी का मास्क पहनकर डराया करता था। और विलियम को ये बात पता चल गई लेकिन फिर भी उसने माइकल को नहीं रोका क्योंकि भैया माइकल भी तो विलियम वाला ही काम कर रहा था और विलियम तो चाहता ही था कि इवान एनिमेट्रॉनिक से दूर रहे। समय गुजर गया, इवान का बर्थडे आया। उसकी बर्थडे पार्टी को उसके बड़े भाई माइकल ने प्लान किया लेकिन वो बड़ा भाई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कसाई था। वो बर्थडे पार्टी उसने ऑर्गेनाइज की कहां, फ्रेडी फेजबियर पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में, जहां पर जाने से पहले ही इवान की पैंट गीली हो जाती थी। इवान को जबरदस्ती उस पार्टी में लाया गया और उसके बाद भैया उसके साथ और भी बुरा किया गया। जब वो 4 एनिमेट्रॉनिक्स परफॉर्मेंस दे रहे थे स्टेज पर, गाने गा रहे थे, तब माइकल ने इवान को पकड़कर उनके पास छोड़ दिया। और माइकल यहीं पर नहीं रुका, माइकल और उसके दोस्तों ने इवान को पकड़कर फ्रेडबियर के मुंह के पास ले जाकर छोड़ दिया और उसके बाद इवान के सिर को पकड़कर उस रोबोट के मुंह के अंदर डाल दिया, इवान को ये कहकर डराने के लिए कि वो रोबोट तुझे खा जाएगा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, उस रोबोट में कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे, उसकी स्प्रिंग खराब हो गई थी, तो उस रोबोट का मुंह अचानक बंद हो गया और इवान का सर खत्म। ये बात विलियम को पता चली, उसके बाद इवान को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वो कोमा में जा चुका था। कोमा में भी उसको वही डरावने सपने आ रहे थे। ये बात जब विलियम और माइकल को पता चली तो उनको काफी दुख हुआ। उन्होंने इवान को सही करने की वापस बहुत सारी कोशिशें की लेकिन वो लोग इवान को बचा नहीं पाए और एक दिन इवान मर गया। अब आप सोचोगे कि बेचारे विलियम के साथ कितना बुरा हुआ। इतना बुरा भी नहीं हुआ, बुरा तो एक्चुअली में इवान के साथ हुआ। विलियम तो एक नंबर का कमीना आदमी था। अब मैं उसे इतना बुरा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ डार्क साइड ऑफ विलियम। 1970 की बात है, विलियम और हेनरी नाम के 2 दोस्त थे। वो रोबोट्स बनाया करते थे लेकिन उनके रोबोट बनाने का धंधा कुछ खास नहीं चल रहा था, तो उनके बनाए 4 रोबोट्स को उन्होंने अपने एक रेस्टोरेंट में रख दिया। वो एक सूट की तरह थे जिसके अंदर एक इंसान घुसकर परफॉर्मेंस भी दे सकता था और अगर नहीं हो कोई इंसान तो वो रोबोट्स खुद ब खुद चल सकते थे, गाने गा सकते थे और परफॉर्मेंस दे सकते थे। ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा हिट हुआ, बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन विलियम एक सीरियल किलर था, उसे बच्चों को मारने में बड़ा मजा आता था और अपनी इसी फैंटेसी को पूरा करने के लिए
लिए उसने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके मारा था उसी रेस्टोरेंट के बेसमेंट में। एनीवे जब विलियम का बेटा इवान मर गया तो उसे अपने आप से नफरत हो गई। वो अपने रेस्टोरेंट में गया उन रोबोट्स को तोड़ने के लिए, लेकिन उन रोबोट्स के अंदर उन बच्चों की आत्मा आ गई थी जिन्हें विलियम ने मारा था। वो रोबोट्स विलियम के ऊपर हमला करने वाले थे तो विलियम ने भागकर वो सूट पहन लिया जिस सूट को पहनकर वो बच्चों को मारा करता था। विलियम ने सोचा कि मैं सूट पहनकर बच्चों के भूत को डरा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस सूट को उसने पहना वो काफी समय से यूज नहीं हुआ था तो उसकी भी स्प्रिंग और मैकेनिज्म खराब हो गए थे। तो जैसे ही विलियम ने उस सूट को पहनकर मूवमेंट किया वो सूट कोलैप्स हो गया और विलियम उसी सूट के अंदर कचूमर बनके खत्म हो गया। और इस तरीके से बच्चों की उन आत्माओं ने अपना बदला ले लिया। विलियम को अपने बेटे को गंवाना पड़ा, माइकल की जिंदगी खराब हो गई और विलियम की भी एक दर्दनाक मौत हो गई। तो फाइनली इस पूरी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई, बच्चों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई, लेकिन वो एनिमेट्रॉनिक्स आज भी जिंदा है और बहुत सारे अनसुलझे रहस्य आज भी राज बने हुए हैं, क्योंकि विलियम एफोन और उसके परिवार की पूरी कहानी अभी भी आपके सामने नहीं आई है कि आखिर क्यों वो बच्चों को मारना इतना पसंद करता था, क्या थी कहानी द क्राइंग चाइल्ड की और क्या था बाइट ऑफ 87 का सीक्रेट। हालांकि जो लोग FNAF के डाई हार्ड फैन उनको मालूम है कि जैसे जैसे इस गेम के पार्ट्स आ गए इसमें नंबर ऑफ एनिमेट्रॉनिक्स बढ़ गए, जैसे कि द पपेट, मैंगल, बलून बॉय, शेडो बॉनी और शेडो फ्रेडी। खैर इन टॉय रोबोट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, इनके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। ये थी FNAF के पार्ट 1 की पूरी हिस्ट्री। ये तो पॉज हो गया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।